morning, students. Today I teach you grammar, standard 4, chapter 15, prepositions. Okay? So last class में हम लोगों ने prepositions के बारे में पढ़े थे, जिसमें preposition of time था, and जो आज का वर्ब है उसमें next जो है यहाँ जो three preposition ये है from, to and for. So इसका use हम कैसे करते हैं and उसमें दिया गया. So first है इसका from का use कहाँ करेंगे? From का use करते हैं. From का use can be used to denote both time and place. From का use हम time के लिए भी use करते हैं and place के लिए भी. Okay? And tell about a period of time. From से हमें ये पता है period of time. Time का क्या period है या क्या अंतराल है उसके बारे में हम पता करते हैं. Okay? जैसे for example है they lived in this house from January to October. अब यहाँ पर बोला है ये देखो फ्रॉम का यूज हुआ है एंड यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड दिया गया है जनवरी से लेके अक्टूबर तक. ओके तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो टाइम के लिए यूज होता है बट यहाँ अंडर टाइम पीरियड के लिए भी यूज होता है, जैसे जनवरी से लेके अक्टूबर तक. ओके सो यहाँ पर फ्रॉम का यूज हुआ है. नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर. अब यहाँ पर फॉर का यूज देखना है कि कहाँ कैसे करते हैं. फॉर इज यूज टू शो For how long या or since when the action has been going on. यहाँ पर for का और since का use इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर जो भी action हो रहा है वो मतलब continue हो रहा है. Okay? She stayed there for a week. अब यहाँ पर देखो for a week मतलब एक सप्ताह से, but जो verb है वहाँ पर वो continue है, इसलिए यहाँ पर for का use हुआ है. Okay? एंड नेक्स्ट है यहाँ पे टू. टू का यूज देखते हैं किसमें करते हैं. टू इज यूज टू टेल द टाइम व्हेन एन एक्शन विल एंड. यहाँ टू का यूज बोला है कि टू का यूज तब होता है कुछ एक्शन वर्ड होते हैं जिनका लास्ट में एंड हो रहा होता है, हम वहां पर टू का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू चेन्नई लास्ट वीक. अब यहाँ पर देखो ये जो वेंट वर्ड आया है ये टू का यूज हुआ है. टू का यूज अभी मैंने बोला था विल एक्शन विल एंड. ये जो वेंट है ये क्या है, एक एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है एंड इसके साथ में अब इसका एंड हो रहा है मतलब गए. ओके चले गए ना कि जा रहे हैं. सो यहाँ पर गए ये मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हाँ एक्शन का एंड हो रहा है, इसके साथ में यहाँ टू का यूज होता है. ओके सो ये था आज फ्रॉम फॉर टू का यूज. आई होप आप समझ गए होंगे. इसके बाद में जो होमवर्क आपका है यही है कि आप इसको लिख लेना अपनी कॉपी में और रिवाइज कर लेना एक बार. ओके सो एंड नेक्स्ट क्लास में है वो ऑफ प्रेजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके एंड उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी उसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ओके सो थैंक यू.